इंडिया में संविधान जागरूकता महाअभियान यात्रा बीती 15 सितंबर से निकाली गई। यह संविधान जागरूकता महाअभियान यात्रा के द्वारा हिंदुस्तान में 1 करोड़ भारतीय संविधानों को इंडिया के घर घर में पहुंचाने का लक्ष्य है। इस संविधान जागरूकता महाअभियान यात्रा में चल रहे वाहन पर इंडिया के राष्ट्रीय प्रतीक एवं देश के गौरव पुरुषों के चित्र भी लगे हैं। इस संविधान जागरूकता महाअभियान रथ यात्रा को बीती 15 सितंबर को भंते सुमित रतन व उनके सहयोगी साथी उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में लेकर पहुंचे। इस रथ यात्रा का हापुड़ जनपद वासियों ने जोरदार स्वागत किया। यह रथ यात्रा हापुड़ के HPDA चौराहे से आरंभ होकर लज्जापुरी, मोदीनगर रोड, बैंक कॉलोनी, आदर्श नगर कॉलोनी, अम्बेडकर चौराहा, कविनगर, देवनंदनी अस्पताल, सुभाष नगर होते हुए रात्रि में नवीन मंडी के सामने बने अम्बेडकर पुस्तकालय पर विश्राम किया। लज्जापुरी बैंक कॉलोनी में बने पुस्तकालय में भंते सुमित रतन का पुष्प मालाएं देकर उनका स्वागत किया गया। स्वागत के बाद सभी लोगों ने बुद्ध प्रार्थना की और भंते सुमित रतन के उपदेश सुने। भंते सुमित रतन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान के बारे में क्या क्या बताया, सुनते हैं भंते सुमित रतन को। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि शिखापदं समादयामि अदिन्नदाना वीरमणि शिखापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिखापदं समादयामि मोषाबाधा वीरमणि शिखापदं समादयामि शुरामिर्यमज्जपमादठाना वीरमणि शिखापदं समादयामि तिरसरसह पंचशीलं साधुकं सुरक्षितं अपमादेत संपादितं बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि भीमं नमामि साधु साधु साधु।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम महाभेषज गुरु तथागत भगवान बुद्ध, हम सबके मसीहा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हक वंचित असहाय कमजोर बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हुआ, आज हापुड़ की पावन धरती पर संविधान रथ जो संकल्प लेकर के निकला है कि 1 करोड़ संविधान भारत के घरों घरों में हमें पहुंचाना है, उस लक्ष्य को लेकर के आज हम हापुड़ में आए हैं। मैं पिछले कई वर्षों से सामाजिक आंदोलन धार्मिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं, आप सब लोग हमें सोशल मीडिया से जानते हैं। एक दिन में इटावा में था और इटावा में हमारा एक विद्यालय है, हम कई विद्यालय भी चलाते हैं, तो वहां हम गए थे। तो जो मेरे ग्रैंड फादर हैं उनकी उम्र इस समय 90 साल हो गई है और वो अभी साइकिल चला लेते हैं, बड़े मेहनती व्यक्ति हैं। उन्होंने हमसे कहा, क्या भंते जी संविधान खत्म हो सकता है? मतलब 90 साल के व्यक्ति हमसे कह रहे, तो हमसे वो कह ले कि मेरा निवेदन है आपसे भंते जी, क्योंकि उन्होंने ही हमें भिक्षु बनाया था, मैं बहुत छोटा था, बचपना था मेरा, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया था कि मेरे घर से कोई बौद्ध भिक्षु बने, तो आज के 27 साल पहले उन्होंने मुझे बौद्ध भिक्षु बना दिया था, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने। तो उन्होंने कहा कि अब आप बौद्ध धर्म का काम बंद करो, जब तक ये लोकसभा के चुनाव हो तब तक पूरे देश में संविधान को बचाने के लिए काम करो। सोचिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र 90 साल है, और मुझे उनकी बात लग गई। मैंने कहा कि मैं पूरे देश में बड़े बड़े बौद्ध सम्मेलन कराता हूं, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को हम बौद्ध बना रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं, और कहीं भी एट्रोसिटी होती है, कहीं भी विरासत मिलती है, सबसे पहले हम खड़े होते हैं। उनकी हमने बात मानी और हमने कहा आप चिंता मत करिए, अब संविधान को कोई छू नहीं सकता, हम लोग एक रथ बनाएंगे और पूरे भारत में घूमेंगे और संविधान से जो लाभ लेने वाले लोग हैं उनके बीच में जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि आज तुम्हारे घर में जो कुछ भी है, तुम्हारे चेहरे पर जो चमक है, वो चमक किसी और ने नहीं, वो संविधान की बदौलत आपको मिली। और मैंने संकल्प ले लिया, आज संकल्प का पहला दिन है, आपड़ों में हम आ गए, और लगातार ये यात्रा मुझे अगर 2 साल चलानी पड़े, 5 साल चलानी पड़े, तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर 1 करोड़ संविधान हमने घर घर पहुंचा दिए और जरूरत पड़ी, लोगों ने कहा कि और भंते जी मेहनत की जाए, तो हम 5 करोड़ 10 करोड़ का भी लक्ष्य रख लेंगे, लेकिन हम रुकने वाले नहीं। पूरे देश में तमाम बाबा हैं, तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, आए दिन संविधान को बदलने की बात करते रहते हैं। मैंने मीडिया में बयान दिया कि आपको संविधान से तकलीफ है तो आप विदेश चले जाइए, लेकिन संविधान की बदलने की वकालत मत करिए। इस देश से हजारों लोग लूट करके ले गए, विदेशों में जाके शिफ्ट हो गए, आपको भारतीय संविधान से तकलीफ है, आप भी थोड़ा बहुत लूट करके निकल जाइए, सरकार इस समय तुम्हारे मन की है, लेकिन संविधान पर उंगली मत उठाइए। ये सोया हुआ हमारा समाज, संख्या हमारी बहुत, नो डाउट हम 90% हैं, हम 85% हैं, लेकिन 100 में 10-5 लोग ही हैं जो जिंदा हैं, जो निकल करके आते हैं, जिन्हें दर्द है मिशन का, मूवमेंट का, संविधान का, बाकी लोग सब अपना खाने पीने सोने में लगे हैं। मैंने कहा इनके बीच में जाऊंगा, और जिस दिन हमने 125 करोड़ यहाँ की आम जनमानस को जगा दिया, तो आपको वाकई देश छोड़ करके भागना पड़ेगा, संविधान की दुआ छोड़ दीजिए। तो पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से हम लोग निकले हैं, हमने संकल्प लिया है, ये संविधान है जो सबसे अच्छा है। आपके घरों में तमाम देवी देवताओं की किताबें होंगी, रामायण गीता का आप सम्मान करते होंगे, या हो सकता है कि यहाँ बहुजन आंदोलन आ गया हो तो आपके घर से कचरा साफ हो गया हो,
अगर नहीं है तो ये संविधान इस रथ यात्रा से लीजिए, हमारे साथ फोटो कराइए, रथ के साथ खड़े होकर के फोटो कराइए और जीवन में ये स्मृति बनाइए कि हमने भंते जी की रथ यात्रा से ये संविधान लिया था। इसकी कीमत 500 रुपए है, बहुत अच्छा संविधान है। अगर 500 रुपए नहीं है तो आप ये छोटा सा संविधान, पॉकेट संविधान 150 रुपए का लेकर के इस यात्रा में जो 1 करोड़ घर घर संविधान पहुंचाने का लक्ष्य है ये हमारा पूरा कर सकते हैं। हम लोगों ने एक और विचार बहुत बड़ा बनाया कि जो लोग जिले में प्रदेश में इस यात्रा के प्रति बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, जो बहुत आयोजन में रुचि लेंगे, उनको जब हम इस जिले को छोड़ेंगे हापुड़ को, तो कम से कम 10-15-20 लोगों को हम एक सर्टिफिकेट देके जाएंगे। उस सर्टिफिकेट का नाम होगा संविधान रक्षक। बहुत सुंदर हमने डिजाइन करवाया है ताकि उनके मन में स्मृति रहेगी कि हमने संविधान के प्रति काम किया, लोगों को बुलाया, रथ का सम्मान किया तो मुझे भी ये सम्मान मिला। भारत में 2 ही लोग हैं इस समय, एक संविधान भक्षक है और एक संविधान रक्षक है। आप क्या हैं? संविधान के रक्षक हैं। वो लोग लगे हैं, अपना काम कर रहे हैं, इसीलिए ये काम किसी और को करना चाहिए, ये हम किसी से कहते ही नहीं है। इसलिए नहीं कहते हैं कि मुझे किसी ने कहा नहीं है, ये स्वयं हमारे अंदर चेतना जागी कि अगर संविधान नहीं रहेगा तो हम बौद्ध भिक्षु नहीं रहेंगे, ये लोग हमें शूद्र अछूत बना देंगे और हमारा ये कपड़ा भी उतरवा लेंगे। क्यों न संविधान की रक्षा की जाए। आज जो कुछ भी आपको मिला है, अगर आप BDC से लेकर के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो ये संविधान की बदौलत है। आप चपरासी से लेकर के IAS बन सकते हैं, ये संविधान की बदौलत है। वकील से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, ये संविधान की देन है। आपके घरों में जो नौकरियां लगी, आप अच्छे घर बना के रहते हैं, मान सम्मान से रहते हैं, कोई अपमान आपका कर दे तो आप थाने में FIR दर्ज कराते हैं, ये संविधान की बदौलत है कि नहीं है। मैं आज बड़े गर्व से कहना चाहता हूं इस हापुड़ की धरती पर कि कोई भी देवी देवता, इतना बड़ा सामूहिक, इतनी बड़ी आबादी जो 125 करोड़ से ज्यादा है भारत में, उनका भला किया, उनको मान सम्मान बख्शा। बाबा साहब अकेले जो काम कर गए, अगर हम लोग मिलकर के भी उसे नहीं बचा पाए तो हमसे ज्यादा नालायक और दानत व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। इसलिए हम सब लोगों को निकलना है। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, मुझे दर्द है कि संविधान अगर नहीं बचा तो ये लोग हमें अछूत बना देंगे, ये लोग हमें शूद्र बना देंगे और ये लोग बलपूर्वक हमारी हत्या भी करवा सकते हैं अगर हम इनके खिलाफ बोलेंगे। इसलिए हमें लड़ना पड़ेगा और हक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और कोई मार्ग नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ हापुड़ के सभी राजा महाराजाओं से, मेरा संबोधन यही रहता है, मैं सबको राजा महाराजा कहता हूँ। असली राजा महाराजा आपको, देश बनाने वाले, देश चलाने वाले, जो कभी तुम्हारे यहाँ पानी भरा करते थे, आजकल देश उन्होंने कब्जा कर लिया है सिर्फ आपके घर में बैठने की वजह से। आओ निकलो, मिलकर के हम काम करते हैं। जो सामाजिक कार्य कर रहा हो उसका साथ दीजिए, जो धार्मिक कार्य कर रहा हो उसका साथ दीजिए, जो राजनीति में अच्छा कार्य कर रहा हो उसका साथ दीजिए, किसी के विरोधी मत बनिए। आज हमारा कोई और दुश्मन नहीं है, हमारे ही लोग हमारे दुश्मन बने हुए हैं जो आज हमें पीछे खींच रहे हैं। मैं चाहता हूं आप सभी लोग एक दूसरे का साथ देकर के चले। तो आज की रथ यात्रा में आप ये संविधान लें और लेकर के बस के साथ फोटो कराएं। और ये जो यात्रा चल रही है, इसे कोई धन्ना सेठ, कोई बड़ा आदमी, पैसे वाला नहीं चला रहा है। आम लोग हमारे जो भारत के हैं, प्रदेश के हैं, हापुड़ के हैं, जो लोग आम लोग हैं, वही लोग छोटा छोटा दान सहयोग देकर के इस यात्रा को चलाते हैं। मेरा निवेदन है, सम्मानित साथियों, हमारे गई या खत्म हो गई, याद रखना भारत के लोगों, जब तक ये संविधान है तब तक आपके बाबा साहब जिंदा रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। और बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि संविधान में बेहतर आपको देखे जा रहा हूं, अगर इसे लागू करने वाले बेहतर लोग नहीं होंगे तो संविधान ये बुरा साबित होगा। आज देश भारत में वही हो रहा है।
इन्हें जब मौका मिला तो उन्होंने स्तनों का कर हमसे ले लिया, इन्हें जब मौका मिला तो इन्होंने सर कलम हमारा कर दिया, इन्हें जब मौका मिला तो मेरे पीछे झाड़ू बंधवाया इन्होंने, लेकिन जब हमें संविधान लिखने का मौका मिला तो हमने कभी किसी को बुरा भला नहीं लिखा। ये बाबा साहब की एक क्वालिटी रही और एक क्रेडिट है, ये हम लोगों का बड़े गर्व की बात है, बड़े सम्मान का विषय है। तो आप सभी लोग इस संविधान रथ को बनाइए। मैं तो कह रहा हूँ, सामाजिक धार्मिक लोगों से निवेदन करता हूँ, इस समय सामाजिक धार्मिक कार्य सारे बंद कर दीजिए, एक ही काम घर घर संविधान पहुँचाइए। और संविधान कैसे बचेगा, कैसे सुरक्षित रहेगा, इसके बारे में विचार करिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आगे जो लोग इस कार्यक्रम हापुड़ में इस संविधान जागरूकता महाअभियान रथ यात्रा में सेवा कर रहे सेवादारों को वे एटीसी फास्ट न्यूज के हेड चंदन सिंह को भारतीय संविधान देकर सम्मानित किया। हापुड़ से एटीसी फास्ट न्यूज के लिए चंदन सिंह की रिपोर्ट।